लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? कभी नहीं, सपना नहीं हो जाएगा वो कभी। क्यों नहीं बन सकते? नहीं नहीं कभी नहीं हो जाएगा। राहुल गांधी जो है 70 साल में देश को बेच दिया लोग, और कांग्रेस की मानसिकता जो थी वो आतंक पैदा करता था और आतंक के साथ चलता था, तो वैसी मानसिकता जो है अब हिंदुस्तान नहीं, मोहब्बत की दुकान थी। बीजेपी आई है तब से नफरत हो गई। नहीं ऐसी बात नहीं, और वो फिर से मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मोदी है तो मुमकिन है। जिसके बाप दादों ने मोहब्बत ही तोड़ दी, मोहब्बत है विश्वास ही तोड़वा दिया, वो आज मोहब्बत की दुकान खुलवाने बैठा है। देखो सुनो, ये चमचे बोलेंगे बोलेंगे, सुनो जो मोहब्बत की दुकान की बात कर रहा है, सुनो जो साली जिसने 3 पीढ़ियों ने कुछ नहीं करा, जिसके हैप्पी बर्थडे भी प्लेनों के अंदर बन रहे, वो मोहब्बत खोलेगा आज, उसे न्याय यात्रा निकाल रही है। ये वही फिरोज खान का पोता था, कह रहा था राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनवा दो, ठीक है 1300 करोड़ से ऊपर का बजट लेके न्याय यात्रा निकाला है। इसने क्यों नहीं बनवाया हॉस्पिटल, इनने क्यों नहीं स्कूल बनवाए 1300 करोड़ से ऊपर का बजट लेके तू यहाँ न्याय यात्रा निकाल रहा है? क्या लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं? पहले वो अपने नेता को संभाल लें, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने। और ये जो मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं, वो मोहब्बत की दुकान बंगाल में क्यों नहीं चलती उनकी, या उनकी जहाँ जहाँ उनकी सरकार है वहाँ पे वो मोहब्बत की दुकान क्यों नहीं दिखाते हैं? महागठबंधन है, निपक्ष वाला काम, निपक्ष वाला कहने के लिए निपक्ष करते हैं, लेकिन वो निपक्ष वाला काम नहीं करते हैं, खाली एलिगेशन लगाते हैं कि बीजेपी सरकार में यहाँ हुआ है। अगर वहाँ पे कुछ भी क्राइम होता है तो वहाँ एक्शन लिया जाता है, ऐसे नहीं है कि उनकी तरह जैसे संदेश काली में देखा किस तरीके से 100 महिलाओं के साथ रेप हुआ था, उसके बारे में किसी ने भी, इंडिया गठबंधन ने किसी ने भी ट्वीट करके भी नहीं बोला कि हाँ वहाँ पे इस तरीके से हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या कह रहे आप? क्वेश्चन कह रहे हैं कि जैसे राहुल गांधी पीएम बनने के लायक नहीं है, एक तरफा इग्नोर क्यों किया जा रहा है? इतना पुराना पार्टी है कांग्रेस, उसकी अगुवाई क्या हो गया? तुम्हारे बाप दादा ने जो काम किया उसका तो क्रेडिट तुम खुद लोगे, अपने दम पे खुद के बनाओ ना सरकार बनाना है तो। केजरीवाल ने कहा था 2014 के टाइम में कि ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये सारे के सारे करप्टेड है, भ्रष्ट, लालू प्रसाद यादव, ये सारे के सारे चोर हैं, और इन चोरों के साथ आके ये गठबंधन बना रहे हैं। चोर चोर मोसेरा भाई, पॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता, सबसे बड़ी बात है। कट्टर ईमानदार हैं केजरीवाल जी, उनको उठाकर जेल में जब चुनाव नजदीक आया तो जेल में डाल दिया गया। शराब एक के साथ एक फ्री कर देते हैं, शराबों को फ्री करने की क्या जरूरत है? लिक्वियर मामले में गया है वो तो कह रहे हैं कि ये स्कैम बात है, वो कह रहे हैं जमानत नहीं मिले, जमानत क्यों नहीं मिलेगा? पीएमएलए लगा हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पे लगता है, जिसमें एमपी एमएलए जो भी होता है उनके ऊपर जो ये एक्ट लगता है उसके थ्रू वो जब तक पूरे केस का पता नहीं चलता है, पूछताछ नहीं हो जाती तब तक नहीं निकल सकता है। और केजरीवाल कहता है कि मैं इस्तीफे को जूते की नोक पे रखता हूँ, अगर थोड़ी सी शर्म होती इस्तीफा दे देता, किसी और को बना दे। राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है उनके साथ, वो कहा जा रहा है कि इस्तीफा दे देना, किसी और को बना दे, लोकसभा चुनाव को भारद्वाज को बना दे, आतिशी को बना दे, हाजी कुरैशी को बना दे, इतने सारे हैं उसके, गोपाल राय को बना दे, कैलाश गहलोत को बना दे, इतने सारे नेता है, किसी और को बना दे, जेल से सरकार चलाने की क्या जरूरत है वास्तव में? अगर थोड़ी सी शर्म हो तो इस्तीफा दे दे। तो नेता है आम आदमी पार्टी के, मजबूत नेता है, कहां तो इसके लिए आइए सर। कहां मजबूत नेता है? मजबूत नेता तो तीसरी बार मुख्यमंत्री है भाई। अरे मुख्यमंत्री बन जाने से क्या होता है? उन्होंने कहा एजुकेशन पे काम किया, एजुकेशन पे क्या काम किया है? दिल्ली में कांग्रेस के टाइम में स्टार्ट हुई थी जब RPVV स्कूल्स, उसके बाद से केजरीवाल ने 2019-20 के टाइम में RPVV स्कूलों का बस नाम चेंज किया, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय उसका नाम चेंज करके क्या किया, अशोक अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सेलेंस, स्कूलों का बस नेम चेंज कर दिया। मेन सब्जेक्ट्स हैं उन पर बच्चों को ध्यान नहीं दे रहा, एक बच्चे को 10-10, 12-12 सब्जेक्ट दे रहे हो, बर्डन दे रहे हो, कम से कम बच्चे को कॉन्सेप्चुअल थ्योरी तो पता होना चाहिए उसको। CBSE से बच्चे पढ़ते थे, CBSE की जगह इन्होंने DBSE बना दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। पहले क्या था, CBSE का एक रूल होता था कि इतने दिन में पेपर हो जाएगा तो इतने दिन में आपको जो भी रिजल्ट है उसको भेज देना है, नंबर्स जो भेज देना। DBSE में क्या है, पेपर आज हुआ रिजल्ट पता चलता है 2 महीने बाद 3 महीने बाद। CBSE क्या है, आज पेपर हुआ मुश्किल से एक हफ्ते के बाद पेपर चेक हो जाता है, 1-1.5 महीने में ही रिजल्ट आ जाता है। और DBSE इन्होंने कर दिया, DBSE करने की जरूरत क्या है? केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहती है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। जब ये अन्ना के नहीं हुए तो देश के क्या होंगे? जब ये अन्ना के नहीं हुए तो देश के क्या होंगे और दिल्ली के क्या होंगे? इनके सारे नेता जो अभी जेल में हैं, ये कहते थे राजनीतिक षड्यंत्र है, इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन जैसी करनी वैसी भरनी। नंबर आतिशी मडलेना का है, जिन्होंने आतिशी मडलेना का है, जिन्होंने अपना नाम चेंज करके आतिशी सिंह कर लिया है। इसी बात को तो लेकर वो भाई आरोप लगाती है कि ईडी और CBI वीडियो उनका वायरल हो रहा था, उसमें वो कह रही थी कि UP में आप ना जो भी हमारे गठबंधन में जो भी है इनको आप वोट दो, चाहे वो नेता करप्टेड हो, भ्रष्टाचारी हो, रेपिस्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन वोट दो। मतलब कि कैसा भी नेता हो उसके
बच्चे लन हो लेकिन उसको वोट दो, क्यों वोट दो?